सबसे पहली बात तो जीमा अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है कि जिसको हम कह सकते हैं कि एक ग्रैमी जैसा एक अवार्ड हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए है, क्योंकि जिसमें सिर्फ म्यूज़िक की बात होती है, म्यूज़िक ही म्यूज़िक होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत खूबसूरत शाम होने वाली है, बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हैं और बहुत सारे अवार्ड्स हैं, तो लेट्स सी कि क्या होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत खुशी होगी। किस कैपेसिटी में यहाँ शामिल हो रहे हैं, मतलब प्रेजेंटिंग एन अवार्ड? मैं मेरे दो नॉमिनेशन हैं, एक है दावत इश्क बेस्ट डुएट सॉन्ग ऑफ द ईयर, एंड एक है कुछ दिल ने कहा, एक प्राइवेट एल्बम है, गज़ल का एक एल्बम है, उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, वेरियस आर्टिस्ट हैं, उसमें मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ। ये दो अवार्ड के लिए नॉमिनेशन है, लेट्स सी क्या होता है। जावेद, आप कई शोज में मेंटर भी करते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपको क्लासिकल जो सॉन्ग्स थे पहले की, उनको रूपांतरण करके एक नए रूप में ढाल के लोगों को लाए जाने की कवायद चल रही है, कितने सहमत हैं आप इस चीज़ से? एक्चुअली बहुत अच्छी है, अगर ना ऐसा दौर आए, ऐसी एक रेवोल्यूशन अगर आए कि क्लासिकल सॉन्ग्स को दोबारा से बहुत अच्छे ढंग से उनको ना प्रेजेंट करें, तो मेरे ख्याल से ना एक म्यूज़िक का एक बहुत खूबसूरत दौर पैदा होगा। आई थिंक बहुत अच्छा माहौल है अभी म्यूज़िक का भी, वैसे भी अभी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और काफ़ी अच्छा है म्यूज़िक का माहौल, लेकिन अगर थोड़ा सा क्लासिकली म्यूज़िक आएगा तो और मज़ा आएगा। ऑडियंस का जो टेस्ट है, जो कहीं ना कहीं एक बंद चुका है, उससे वो थोड़ा सा और डेवलप होगा, ऐसा मैं समझता हूँ।